Good morning, dear students. Most welcome to the online classes of Pacific Years. In this video for junior students, 7th and 8th class, in English, I am teaching you translation. Today, I will teach you translation of future indefinite tense. इसके हिंदी में गा गी ये शब्द आते हैं. इसका सिंपल सेंटेंस है. With them you will use soil and with other subject you will use will. Be one object, other one. Yes, sir. My woman, girl, for all of God. गीत गाएगी. अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट इज गिवन. सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा. कौन पढ़ाऊंगा? मैं. तो आपका सब्जेक्ट विल बी आई. आई साथ आप सही लगाते हो, सही लगा तो फिर बी में पढ़ाना होगा. टीच मीन्स पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ना. आई विल टीच द ऑब्जेक्ट यू टुमारो. कल की टुमारो लगेगी. टी ओ आई ओ डबल आर ओ डब्ल्यू. इसका रिलेटेड है फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस एच बी हेल्पिंग वर्ब ए विल प्लस नॉट नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. हाँ, इसमें हो जाएगा कि मैं तुम्हें कल नहीं पाऊंगा. तो सब्जेक्ट आई आई साइड आई साइड नॉट बी वन टीच यू टुमारो. You tomorrow, you, I am not double all over. इसके बाद interrogative. Interrogative में rule हो जाता है. पहले helping verb आ जाएगा. Will और shall. इसके बाद subject है. इसमें क्या सब क्या मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा? तो फिर सब्जेक्ट अनुसार आई हो गया तो शायद आपका पहले आ जाएगा. शायद फिर सब्जेक्ट आई फिर बी में टीच ऑब्जेक्ट यू अदर वर्ड convert in simple negative, interrogative, as a homework, and also write some of the sentence of this type. Thank you. That's all for the video.